हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे गाइस, जय माता दी। कैसे आप सब गाइस? तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, इवनिंग से व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज शाम को मैं बना रही हूँ चाउमीन। तो अभी मैं शाम से व्लॉग शूट कर पाई। गाइस, आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बेटे ने जिद करी चाउमीन खाने की, तो मैं बाहर से नहीं मंगा के देती हूँ, घर पर बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चाउमीन को गर्म पानी में अभी डाली हूँ, जस्ट डाली हूँ, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाली हूँ। तो ये जैसे ही अब इसमें थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, ये अब जा रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। और इसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट इसे पका के और इसे धो के और चाउमीन बनाएंगे। तो हम आपको दिखाएँगे कैसे बनाते हैं गाइस। तो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। तो हमारे चाउमीन बन रही है क्या? चाउमीन बन, हेलो, क्या चाउमीन बन रही है तुम्हारी? अब खुश हो? चाउमीन अच्छा है। अच्छा नहीं लगता? अच्छा, कब से झूठ बोल रहा है गाय जी? इसको चाउमीन तो बाहर का पसंद है, पर चाउमीन खाने से पहले आपको फ्रूट्स खाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रूट्स खाओ तब चाउमीन देंगे। पसंद नहीं चाउमीन, ये तरबूज है गाय, जल्दी से पाम ऑयल मिला होता है, लेकिन घर का अच्छा होता है। हाँ, मम्मी का अच्छा, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। अजीनोमोटो मत डालना, बस थोड़ा सा डालेंगे गाय। जो अजीनोमोटो जो होता है ना, वो पड़ता है चाउमीन में, तो अनहेल्दी होता है, वो हार्ट के लिए सही नहीं होता है। तो ये अजीनोमोटो है गाय, आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी मैंने मंगवाई है बाजार से। ये होता है अजीनोमोटो, चीनी की तरह होता है। तो ये डालने वाली, और ये है विनेगर सॉस, ये डालूँगी, और एक सोया सॉस होता है, चिली सॉस, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, या फिर रेड चिल्ली डाल लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस, हमारी चाउमीन बॉयल हो रही है। अब इसे अच्छी तरह से पक जाएगी ना, जब हम इसे छान के धुल के और फिर बनाएंगे। तो आप लोग व्लॉग पे बने रहिए। इसमें नमक क्यों डाल दी? इतना मीठा, मीठा अच्छा, नमक अच्छा नहीं लगता गाइस? इसको तरबूज भी मैंने नमक डाल दिया तो अच्छा नहीं लग रहा है। सेंधा नमक डाली है, फ़ायदा करता है सेंधा नमक, अलग चीज कोई नहीं खा लो। चाउमीन खाना है ना बाबू को, फ्रूट्स खाओगे तो हेल्दी रहोगे। चाउमीन बनाने के लिए मैंने पत्ता गोभी कटिंग किया, शिमला मिर्च है, प्याज, मेरा बेटा आज बहुत खुश होने वाला है। अभी गया है वो मोमोज की चटनी ले आने के लिए। मम्मी वो चटनी डालेंगे ना तो और टेस्टी होगा। लग रहा है, खा के दिखाओ जल्दी से चाउमीन, देखिए गाइस यहाँ पे बाबू और यहाँ धैर्य भी आया है। आपको नाम है? जल्दी दोनों लोग बताओ कैसा लग रहा है। मैंने खाया नहीं, एक बाइट खा के बताओ। सही है बाबू, वो डाल नमक, नमक अच्छा लग रहा है। थोड़ा और पीछे जाओ ना, इस बार थोड़ा ठीक है। ठीक है, थोड़ा नहीं ठीक है, मतलब एकदम वैसे ही है। और ये मोमोज वाली चटनी क्या? चाउमीन खाइए, चाउमीन खाइए, चाउमीन। आइए देखिए, तो आप निकालेंगे, मेरा हाथ दुख गया, आप निकालेंगे। मैं निकाल गाइस, मेरा हाथ दुख गया, भाभी बांटेगी सबको चाउमीन। अरे नहीं 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 नहीं, भाभी आप देंगी तब मैं ही खाएंगे, नहीं देंगी तो। अच्छा मैं आपको दूंगी, आप निकाले, मैं निकाल। हाँ चलिए, फटाफट से आ जाइए, आ जाइएगा। चाउमीन खाना है तो खा रहे हैं, भाभी ला रही है, अपना लाइए भाभी। कैसा लग रहा है भाभी चाउमीन? बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप लोग भी खा लीजिए। ये गाय जिन लोगों को मच्छरदानी के अंदर, ये क्या कर रहे हो दोनों? मैं तो लूडो। ये देखिए, ये मेरा पड़ोसी का बेटा और ये बाबू, ये मेरा बेटा, क्या कर रहे हैं? गेम खुद बनाया और खुद ही है। ये गाय जी गर्मियों में मैं मच्छरदानी नहीं लगाती, सर्दियों में लगाती, इसमें हवा पास नहीं होता। ये बंद कर लो गेट, ये देखो खा रहा है, खाते खाते खेलता रहता है। संतरे खा रहे, तुम भी खा लो।
गैस रात के खाने में मैं बना रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो एक साइड मैंने आलू गोभी फ्राई किया है और दूसरे साइड में उसकी ग्रेवी तैयार किया है। तो अब इसके बाद चावल बनेगा और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा गाइज। और यहाँ पे मेरी सब्जी आप देख सकते हैं रेडी हो गई है। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।